संगवारियों, हसदेव के जंगल भर तो अडानी हमारे सरकार मन पीछे पड़े हैं, लेकिन जो हमारे गांव चंगोरी के पेड़ कटे है, हमारे गांव चंगोरी जैसे और कई ठो गांव मन के पेड़ कटे है, ओकर जिम्मेदार आखिर कौन है? ओकर जिम्मेदार संगवारी हो हमन हरन और हमार पर्सनल स्वार्थ हरे। हमन अपन एक निजी स्वार्थ पर इतना बेसकीमती पेड़ मन ला जे कई सौ सालों से हजारों सालों से जे है तैयार होके इतना बड़े बड़े हो रही से तेला हमन अपन निजी स्वार्थ पर काट दें और 200-400 पैसा पर हमारा इतना बहुमूल्य जो हमारे वन री से जंगल री से ओला काट के आज बंजर बनावा जात हैं और जो यहाँ पे पेड़ मन के जो डेंसिटी री से वो बहुत ज़्यादा कम कर दें। तो जहाँ तक बात हसदेव के है तो हमारा जो हमारे आस पास के जितना भी पेड़ पौधा है ओला भी बचा के प्रयास करना है और जितना स्टेटस हम अपन आज मोबाइल में डालत हैं अगर वो छोटे से प्रयास अपन आस पास के पेड़ पौधा बचाए पर भी करबो तो आज हमारे जो छत्तीसगढ़ है वो बहुत अच्छा डेवलप हो जी पेड़ पौधा के क्षेत्र में। संगवारी बचात बचात तो हमन इतना अगल बचा के संजो के रखे हैं, अब पता नहीं कि एकरो कितना दिन के मेहमान है यही पेड़ मन है। संगवारी हमन आखिर आज पेड़ 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 काबर कहा था, काबर हमारे जो पूरा बचपन है ये पेड़ मन के बीच में ही बीते रही से सुबह सुबह की हमन कौवा बीने बर आन, महुआ सीजन में महुआ बीने बर आन और ये तरफ जितना पेड़ अभी आप मन ऐसी दिखत ना सेम एक जो रिप्लिका रही से वो एरिया रही से यहाँ पास भी पूरा बहुत सारा पेड़ रही से वहीं भी बहुत सारा पेड़ रही से। तो आप जब हम बचपन ला जब फिर से रिमेम्बर करे कोशिश करते हैं तो वो दृश्य मन पूरा हमारे आँखी में आते एक स्थिति आज जो है हम पेड़ 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 कहा था और इतनी क्लियर देख सकते हो कि कितना सारा पेड़ कटे है 1, 2, 3, 4, 5 मतलब गिन भी नहीं पाते हैं कि ये तरफ कितना पेड़ कट गए और वे जो घटना हुए सिर्फ 4-5 साल में पिछले 4-5 साल में जो है ना ये पेड़ मन पूरा कट गए। बर्बाद कर दे चंगोरीला छोड़ी दे रे छोड़ी दे रे। संगवारी हो हम भी मन एक दिन आए रहे टंगिया पकड़ के कांटे बार कौन से पेड़ ला ये पेड़ ला जो कि छीन पेड़ हरे और ये पेड़ से आज हम अल्लाह फल मिलने वाला है देख सकते हो छीन फल। तो आज खाबो अपन मन छीन फल जो कि याद करते हैं पिछले दिन अपन मन टंगिया धर के हिल कांटे नहीं आए रहे और आज ही हम अल्लाह फल देते तो हिल बचाना है ताकि हम अल्लाह फल मिलते रही और इसने हमारे मजा लेते रहो आके। तो देख सकते हो यहाँ पे फरे हुए हैं तीर तीर में तो जाते हैं और हाथ से भी तोड़ सकते हैं लेकिन हाथ में नहीं हमरा मोर काबर हाइट है छोटे हैं। चंगारियों यहाँ पे छीन तोड़े दूजे ने काबर की कर हाइट बड़े हैं तो मैं खास हूँ हम एक गुदादार नहीं है बोला थे लेकिन कोई बात नहीं फल फल होते। तो अभी कोचक कोचक की गिरही लकड़ी में भी देख सकते हो इसने तो तीन जन हाइट वाला हो तीन जन मोर बल लाओ चलो इतना मीठा नहीं है यहाँ छीन है लेकिन हम जाओ ना बाड़ी में हमारे घर के जस्ट पीछे में है एक तो छीन पे इतना मीठा इतना फरते इतना गिरते इतना बिंतन इतना खाता मैं नहीं बस अगर संगवारी पेड़ भर जाते इतने में। तो संगवारी जैसे हम अभी भी बात करत रहे यहाँ के जो बहुत सारा पेड़ कटे है ओकर एक एग्जाम्पल ऐसी भी देख लो ऐसी जो बहुत बड़े बड़े पेड़ रही से वो तरफ जो इमली के पेड़ दिखत ना जितना बड़े बड़े पेड़ वो बहुत साल में जो है वो उतना बड़े बड़े ग्रो कर रहे हैं इसे तो एक तरफ जो जितना खाली जगह दिखत रही से वो पूरा वो पेड़ मन से भरे पड़े रही से जेकर आप मना खुर्गा जो है वो देख पाऊँ लाइन से जाते हुए ये है वो तरफ है बड़े वाला है तो पता नहीं काकर पास है का है पूरा कांड दिखे समझ ही नहीं है मन ला जब तक ऐसा हन सोचे समझे लायक हो हन तब तक पूरा पेड़ मन जो है तरफ से कट चुके रही से। हो एक चीज तो अमन बताए पर भूल गए कि ये हमारे पिकनिक स्पॉट तलो के जे पास अपन मन हर साल ये अमली जो यहाँ पे रहा है तो यहाँ पे हर साल अपन मन पिकनिक मनाए लान और हर दोस्त बैठ के छाँव में मस्त मजे के साथ पिकनिक मनान वो चीज याद आते आज ये चीज ला देख के काबर की बहुत अंधाधुंध कटाई हो गए है पूरा हरियाली रहा है यहाँ पे और आज तो देख सकते हो कैसे दिखत तेला ये जगह है पूरा बंजर भूमि हो गए है। यही सब चीज ला अपन मन देख के हमारे घर के जो आगे है ना बोरिंग आप मन देखे हो वो जगह अशोक पेड़ और नीम पेड़ जगह रहे हो ओला आप कोई कचरा फेंक के ओल दबा के ओल मार डरी से ऐसे ऐसे आदमी है हमारे पारा में भी तो दू ठोन अशोक पेड़ जगह हन वो जागे है और एक ठोन आप मन देखे हो कुकरी कुकरा पेड़ बोलते हैं ओला ते है अभी तक के जिंदा है तो हमारे मेहनत रही से जो कि इतना बड़े कर पाहन अब देखथन आगे और अपन मन के प्लानिंग है कि बहुत सारा पेड़ जगाए के लेकिन जगह की कमी काबर पर्सनल जगह में कोई अपन जगान नहीं दे यही दिक्कत है हमारे गांव में। गांव देहात के आदमी हो तो एक चीज लो पक्का रिलेट कर पाऊँ कि कई बार जो गांव के युवा मन रहते होकर इंटेंशन रहते कि हमन जो है वृक्षारोपण करें पेड़ वेड़ जगान लेकिन जगह ही नहीं मिल पाए साला जे जगह लगा फिर कोई ना कोई ऑक्यूपाइड कर डर रहते ओला घेर डर रहते
तो फिर यहू बहुत बड़े समस्या होते जब हमन सोचतन कि चलो यार वृक्षारोपण किया जाए तो जगह ही नहीं मिले। अब तो गांव-गांव के समस्या हो गए, सब आदमी मन घेर घेर के अपन जगह बना चुके, तो ये भी एक तो बहुत बड़े समस्या है कि युवा मन आखिरकार एक बल्क में जो है वृक्षारोपण नहीं कर पाते हैं। एक चीज देखे मिली आप मतलब संगवारी हो कि नदी के ओपार जहाँ पे अपन मन नहाते हैं ना ओकर ओपार पूरा ना वृक्षारोपण हुए आम के जो कि देसी आम है और ओकर रुख जब मतलब पेड़ तैयार होही तो बहुत ठंडी हवा हमन ला मिली। काबर की हवा जब रहते ना तो शाम के समय हमरे गाँव कोती चलते और हमरे नजदीक पड़ जाते और खाड़ा गाँव में लगा है बहुत सुंदर वृक्षारोपण हुए तो वहाँ के सरपंच के बहुत बड़े प्रयास रही से बोल करे के तो बहुत सुंदर लगी सो जगह गिरे हैं तो वैसे हम भी मन करना चाहतन लेकिन हमन ला जगह नहीं मिल पाए जैसे कि लगाना चाहतन तो आदमी मन हो जगह हमार जगह है तो पेड़ ला उखाड़ के फेंक दी नहीं कुछ ना कुछ शैतानी करी देते अपन हमार गांव के नीति।